हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्नी। एक्नी के तमाम टाइप्स मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊंगी और साथ ही में उसके ट्रीटमेंट के मुतालिक हम बात करेंगे। सम पीपल सेज इन कमेंट सेक्शन के क्या आप डॉक्टर हैं, आप इस तरह की बातें बता रही हैं, आप मिस गाइड कर रही हैं लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस ट्रोमा से आप गुजर चुके हैं तो आपको वो चीजें एक्सपीरियंस हो चुकी हैं। आप एक डॉक्टर से भी ज्यादा अच्छा एनालाइज कर सकते हैं उन चीजों को, और उन चीजों को अच्छे से ट्रीटमेंट्स का आपको पता चल जाता है कि किस चीज से ये जो है क्योर हुई थी एक्नी। तो ये तमाम चीजें इट सेल्फ मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मेरे घर पे, और मुझे तमाम चीजों का पता है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो भी आपको, उन्हें फौरन से पता नहीं चलता कि भाई इसको इस तरह की एक्नी है, इसको ये मेडिसिन दे दो और मेडिसिन ने एक दो दिन में जादू किया और वो सही हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो क्या करते हैं कि डॉक्टर्स तो चाहे उनको जहर लिख के दे दें तो वो ले लेते हैं, लेकिन कोई अपना ही बंदा उसको कोई अच्छी एक एडवाइस कर रहा है तो वो उस चीज को जरा भी नहीं लेते हैं, कंसिडर ही नहीं करते कि चलो इसने अच्छा बताया, हम थोड़ा थैंकफुल हो जाएं। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे यहाँ। लोग अजीब अजीब इवन बातें करेंगे कि आप डॉक्टर हैं, आपको कुछ पता भी है, आप क्या कह रही हैं। तो भाई आप डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको किसने मना किया है। मैं तो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ ताकि किसी की भी हेल्प हो जाए और मुझे खुशी होगी। ओके, तो रियल लाइफ में मैं बहुत से लोगों के पिंपल्स और ये चीजें क्योर कर चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो भी इन ट्रॉमास में थी। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सकता है एक्नी को क्योर करें, क्योंकि एक्नी तो चलो ठीक है आपकी आई, एक एज होती है उसमें एक्नी सीवियर होती है तो बाद में चली गई, लेकिन कुछ लोगों को स्कार्स छोड़ जाती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और वो कभी खत्म नहीं होते हैं। उनको मिनिमाइज किया जा सकता है लेकिन वो फिर भी अपनी एक्नी जो है अपना निशान छोड़ जाती है। तो एक्नी को क्योर करना बहुत ही जल्द बहुत ही जरूरी है। मैं पाकिस्तानी डॉक्टर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो तो बाहर चले जाते हैं, बाहर अब्रॉड, लेकिन जो जिनका कहीं भी नहीं कुछ होता तो वो पाकिस्तान में आ जाते हैं लोगों का बेड़ा गर्क करने। बहुत ही कम डॉक्टर्स होंगे यहाँ पर जो कि बहुत अच्छे होंगे और जो वाक्य ही में आपके हम दर्द होंगे और उन्हें पता होगा कि स्किन क्या चीज है और उसको कैसे लेके चलना है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ पैसे लेने के लिए आपके साथ कोई भी खलवाड़ कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की है मैंने। एनीवेज स्टार्ट करते हैं कि एक्नी की टाइप्स क्या है। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, तो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स का ज्यादातर ताल्लुक होता है आपके आउटर प्रोडक्ट से, जो भी आप लगाते हैं मेकअप फाउंडेशन वगैरह, ठीक है। तो जब पोर्स जो है आपके क्लोज हो जाते हैं तो आपको व्हाइट हेड्स आ जाते हैं, बहुत सख्त किस्म के होते हैं, और जब आपके पोर्स जो है वो खुलते हैं तो ज्यादातर जो है ब्लैक हेड्स आने के चांसेस होते हैं। ये जो दोनों किस्में हैं इसको कैसे क्योर करना है, ये आमतौर पर हमारे यहाँ हर बंदे के ऊपर है, क्योंकि यहाँ डर्ट भी है, यहाँ हम मेकअप भी कर लेते हैं, तो यहाँ का एम्बियंस भी कुछ इस तरह का है कि ये चीजें होती हैं। उसके बाद इसको कैसे क्योर करना है, इसकी रेमेडीज मैं दे चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दैट एक्चुअली वर्क्स, तो ये रेमेडी जरूर काम करेंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक्नी की टाइप जो कि असल किस्म की एक्नी होती है, उसकी पिक्स मैं यहाँ नहीं दूंगी, मुझे खुद पता नहीं क्या होता है एक्नी की ऐसी और सीवियर पिक्स जो है वो देख के पता नहीं क्या होता है, लेकिन आप लोग खुद इसको सर्च करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आपको किस टाइप की एक्नी है। माइल्ड एक्नी में ये होता है कि आपके फेस पर रेड रेड दाने और बिल्कुल छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और बाद में वो ब्लिस्टर्स भी क्रिएट करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको स्कार्स भी आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी जो एक्नी होती है उसको हम ट्रीट करते हैं टेट्रासाइक्लॉन्स के साथ। तो इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि आपने किस दौरान लेनी है किस दौरान नहीं लेनी है। स्पेशली ये ज्यादा मैरिड लोग भी इसको नहीं, हम रिकमेंड डॉक्टर्स करते कि मैरिड लोग इस चीज को इसको लें, लेकिन पाकिस्तान में यकीन जाने वो जरा नहीं पूछते आपसे कि क्या आप कोई एक्सपेक्ट कर रही हैं या आप मैरिड हैं या कुछ भी, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। सिंपल उन्होंने ये कहना होता है कि कुछ ना कुछ अब हम दे दें, अब हमने फील ही है तो कुछ ना कुछ इनको दे ही दें, तो अच्छा है कि ये कहेंगे हमें कुछ भी नहीं दिया आपने, हमसे फी भी ले ली है, तो इस तरह का सीन है। ये कुछ भी नहीं पूछते हैं आपसे, इवन के बहुत सी कंडीशंस होती हैं कि आपने इस कंडीशन में देनी है मेडिसिन, इस कंडीशन में नहीं देनी है। एनीवेज, तो ये जो अगर आपको माइल देखनी है तो टेट्रासाइक्लॉन्स का कोर्स होता है 1.5 मंथ का, तो ये आप लें और उसके बाद देखें कि आपको फर्क आता ही नहीं, लेकिन विद इन अ वीक अगर आपके और ज्यादा सीवियर हो रहे हैं तो फिर आप इसको छोड़ दें, ठीक है। बैक्टीरियल एक्नी को ट्रीट करने के लिए टेट्रासाइक्लॉन्स एंड डॉक्सीसाइक्लॉन्स यूज होती हैं। एंड बैक्टीरियल एक्नी होती क्या है? बैक्टीरियल एक्नी भी ज्यादातर इस वजह से होती है कि जब आप कोई बैक्टीरिया फॉर्म हो जाता है हमारी किसी डिजीज की वजह से, ज्यादातर ये होता है कि आपको मलेरिया हुआ उसके बाद ये एकदम से एक्नी आ गई, तो ये एंटी बैक्टीरियल हो जाती है। कोई फीवर हुआ आपको, टाइफाइड हुआ उसके बाद आपको एक्नी से फेस भर गया, तो ये एंटी बैक्टीरियल जो है मेडिसिन इनसे कवर होता है।
लेकिन अगर आपको कोई फीवर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और आपको यकदम से एक्नी आ गई है, सो दिस इज नॉट एंटीबैक्टीरियल। और मुझे अफसोस होता है और बार बार मुझे कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर्स यहाँ के जरा नहीं पूछते कि आपको कोई फीवर हुआ था या कुछ भी, तो आपको इस वजह से एक्नी है। और इतनी हैवी हैवी एंटीबैक्टीरियल्स पकड़ा दी, मैं आपको बता नहीं सकती, 1000 एमसीजी कि ये आप लें चलें, ये भी नहीं फर्क डाल रही अब आप ये ले लें, चलें ये भी नहीं डाल रही अब आप ये ले लें। अल्लाह अकबर कि आप जरा सा पूछ तो लें, बंदे से एनालाइज तो कर लें, उसकी स्किन टाइप, उसका सब कुछ, उसकी बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं, बस अगला बंदे की बारी आ रही है और बस जल्दी से फारिग करवा दिया बंदे को। सो दिस इज नॉट फेयर। प्लीज अगर आप डॉक्टर हैं, आप वाकई लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो आप उसको जरूर एनालाइज करें। अगले की बंदे की स्किन की पूरी जिंदगी का मामला है, तो आप उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। एनीवेज तो फिर उसके बाद एंटीबैक्टीरियल का फिर तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको जैसे ही आप मैच्योर हुए थे और आपको एक नहीं आना स्टार्ट हो गया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एंटीबैक्टीरियल प्रॉब्लम। ज्यादातर हमें मैच्योर होने के बाद ही एक नहीं आती है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स के साथ कोई इधर उधर खिलवाड़ होता है तो वो एक नहीं आ जाती है। तो ज्यादातर जो हाँ, इस चीज को आप देखें कि अगर टेट्रासाइक्लोन से आपकी एक नहीं रिकवर हो रही है, यहाँ ज्यादातर हम ये देते हैं अडॉक्सा मेडिसिन, ठीक है। तो अडॉक्सा से अगर आपकी वन विद इन अ वीक आपको कोई डिफरेंस दिखाई दिया और न्यू एक्नी नहीं आई है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें और 1.5 मंथ का ये कोर्स होता है। कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है ताकि आपको आइंदा लाइफ में एक्नी ना आए। सो उसके बाद अगर आपको नहीं, फिर उसके बाद एंटीबैक्टीरियल्स जिथ्रोमाइसिन वगैरह देते हैं। अगर आपको वाकई ही कोई एंटीबैक्टीरियल का प्रॉब्लम है, जैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप एनालाइज करें खुद से कि आपको कौन सी एक्नी है। लेकिन उसके साथ एक होती है सीवियर किस्म की एक्नी, बहुत ही ज्यादा फेस भर जाता है किसी, कुछ लोगों को पस भी होता है, कुछ को ऊपर खारिश होती है, दर्द भी होता है, वो पेनफुल एक्नी होती है, और आपको रोजाना न्यू बेसिस पे पिंपल्स आए ही रहते हैं और वो पेनफुल भी होती है, मोटे मोटे दाने होते हैं, सिस्ट भी कहते हैं इनको, और इसको सीवियर एक्नी भी कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अगर आपको वो एक्नी है तो उसको ट्रीट करने का और कोई हल नहीं है, यकीन करें। आप कुछ भी खा लें, आप कोई भी ठंडी चीजें पी लें, शरबत पी लें, कुछ भी कर लें, उस वो सिर्फ मेडिसिन से कवर होती है, और उसके लिए स्पेशल मेडिसिन है आइसोट्रेटिनोइन, ठीक है। आइसोट्रेटिनोइन में होता है, अब इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन इसके बगैर आपका कोई हल नहीं होता एक्ने का। वैसे डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि हम ये ना दें पेशेंट को मेडिसिन, किसी और तरह से कवर हो जाए, लेकिन किसी और तरह से जब आपकी एक्नी रिकवर नहीं हो रही होती, आपको वाकई सीवियर किस्म की एक्नी होती है, तो सिर्फ आइसोट्रेटिनोइन ही होता है जो आपकी एक्नी को कवर कर सकता है, ठीक है। तो आइसोट्रेटिनोइन में काफी मेडिसिन आ जाती है, लेकिन मेरा दो के साथ एक्सपीरियंस है, एक है आइसोजेम कैप्सूल्स और एक है एरिनोइन कैप्सूल्स, ठीक है। अब आइसोजेम जो कैप्सूल्स हैं, उनसे आपका हेयर फॉल बहुत सीवियर किस्म का, सबका जो भी लेंगे आइसोजेम्स, उनका जो हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा, बहुत हद तक बढ़ जाएगा, जैसे ही उनकी एक्नी कवर होने लगेगी। विद इन अ मंथ आपको पता चलता है आपकी एक्नी कवर हो रही है या नहीं। तो जिनको सीवियर एक्नी होती है वो आइसोजेम या एरिनोइन लेते हैं, क्योंकि मेरा इन दो के साथ ही एक्सपीरियंस है, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो लेते हैं तो उनकी एक्नी अगर कवर होने लगती है तो उनका हेयर फॉल भी उसके साथ बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद इसके साथ आप दूध जरूर लिया करें, क्योंकि ये काफी गर्म होती है। इसके साथ पानी का इनटेक, वाटर इनटेक मस्ट है, और वाटर इनटेक के साथ साथ फ्रेश जूसेस भी बहुत ज्यादा मस्ट है, वरना आप बिल्कुल पेल हो जाते हैं, आपको ड्राइनेस होने लगती है नाक में, आपकी आईज में इवन ड्राइनेस, आई साइट का वीक होना, ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इनमें से कोई जो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ होता है आइसोजेम लेने से, वो हेयर लॉस होता है, और साथ ही में आपको डेंड्रफ और ये खुश्की हो जाती है पूरे जिस्म पे, ठीक है। इसका जो कोर्स होता है वो होता है प्रोलॉन्ग टू एंड हाफ मंथ, लेकिन कुछ लोगों को अनलकीली ये एक्सटेंड करना पड़ता है फॉर 4 to 6 months। लेकिन मैंने ये देखा था, मेरी फ्रेंड थी तो उन्होंने ये कोर्स किया था फॉर 4 months, तो ये बहुत ज्यादा कोर्स है, इतना नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ टू एंड हाफ मंथ तक आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि इसके ये जो आइसोट्रेटिनोइन है इसके साइड इफेक्ट्स काफी सीवियर है। एंड द वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग वो इसको नहीं ले सकती हैं, और अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो भी आप इसको नहीं लें, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड जो आइसोट्रेटिनोइन में होते हैं वो एरिनोइन होते हैं, तो एरिनोइन जो कैप्सूल्स हैं
वो एसोजैम के मुकाबले में फ़र्क आपको लेट डालते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स इससे थोड़े कम हैं। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपको ड्राइनेस भी कम होती है और आई साइट का वीक होना भी कम होता है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स दोनों में पाए जाते हैं। लेकिन एरिनोइन जो है वो कदरे बेहतर मैं कहूँगी इसको है। उसके बाद आपको कैसे लेना होता है ये, आप खाली पेट कोई भी मेडिसिन मत लिया करें, आप खाना खाने के बाद ले लिया करें और 20 mg आप लें, ज़्यादा हाई नहीं जाएं। कुछ 15 डेज तक आपको दिन रात लेना पड़ता है, अगर आपकी एक्नी वाकई ही बहुत सीवियर है तो 15 डेज के लिए आपको दिन रात लेना है आइसोट्रेटिनोइन, और उसके बाद आप इसको एक टाइम पे शिफ्ट कर सकते हैं और फॉर 2.5 months आप इसको लेकर चलें, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने तीन चार लेट मी समराइज, तो हमने बात की है अडोक्सा मेडिसिन की, एजिथ्रोमाइसिन जो कि एंटीबैक्टीरियल है, आइसोट्रेटिनोइन, आइसोजैम, इनके साइड इफेक्ट्स, इनको कैसे यूज करना है, इनका जो ड्यूरेशन है वो कितने मंथ का है, और इसके साथ वाटर इनटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स ना हो। तो एक्नी को जितनी जल्दी होता है क्योर करने की कोशिश करें ताकि आपको स्कार्स और ये चीजें जो है वो ना आ सकें और आपकी एक्नी जल्दी क्योर हो जाए। हमारे यहाँ बहुत ही एक्नी का प्रॉब्लम है, एक तो एम्बियंस भी वैसा है, ऊपर से खाने भी ऐसे हैं, फ्राइज तली हुई इस तरह की, ठीक है। तो कुछ लोगों की एक्नी नहीं भी आती है, लेकिन एक ही घर में एक बंदे को सीवियर एक्नी हो रही होती है और एक को नहीं भी हो रही होती है लकीली। तो इट्स ओके अगर आपको एक्नी है, लेकिन इसको क्योर करने की कोशिश करें। होप सो यू लाइक माई वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, वी विल टॉक अबाउट इट विद डिटेल। और कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने फेस की एक्नी की पिक्चर भेज रहे हैं कि हमें ये एक्नी है या हमें ये प्रॉब्लम है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें डायरेक्ट, और फिर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगी। होप सो यू विल लाइक माई वीडियो, इफ यस सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको दे देती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।